नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो और हजारों की भीड़ में भी आप सबसे बेहतरीन और अट्रैक्टिव दिखो, तो ये वीडियो आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा। स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्रह्मचर्य Q&A वीडियो में। बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में अपने सवाल पूछे थे और आज उन्हीं सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों के तरफ। पहला सवाल, क्या हम 3-4 दिन में नॉनवेज खा के ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? देखो, इसको ऐसे समझो कि ब्रह्मचर्य है ईश्वर को पाने के रास्ते पर चलना। अब चाहे आप हर दिन नॉनवेज खाओ या 3-4 दिन बाद, यह ब्रह्मचर्य की गिनती में नहीं आएगा। दूसरा सवाल, क्या ब्रह्मचर्य से 1 महीने के अंदर बॉडी में चेंज देखने को मिलेगा? देखो, चेंज आएगा जरूर, लेकिन वो अंदरूनी होगा। भीतर से आपको महसूस होगा कि बॉडी में पहले से ज्यादा एनर्जी है और कम टाइम में नींद पूरी हो जाती है। अगला सवाल, जब बॉडी रिकवर कर रही होती है तब थोड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा क्यों? देखो, अगर किसी इंसान को वीर बचाने की आदत नहीं है तो जब वो वीर बचाएगा तो वैसे भी उसके लिए वो फीलिंग थोड़ी अलग होगी, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि इसको एक चैलेंज की तरह देखना चाहिए कि रिकवरी में जितना भी समय क्यों ना लगे, मैं ना ही झुकूंगा और ना ही रुकूंगा, मेरा ब्रह्मचर्य जारी रहेगा। अगला सवाल, जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कोई मोटिवेशन है क्या भाई? देखो, सबसे पहले तो ऑल दी बेस्ट, और जब भी एग्जाम देने बैठो तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको खत्म करो और फिर सोचो मुश्किल सवालों के बारे में। अभी सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है, फिर एग्जाम खत्म होने के बाद तो आराम ही आराम है। अगला सवाल, माइंड को कंट्रोल करना चाहता हूं लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं होता? देखो, माइंड को कंट्रोल करने का ख्याल भी माइंड का ही है, तो कंट्रोल करने का सोचो भी मत, बस होश में रहकर माइंड में आ रहे विचारों को देखो। अगला सवाल, स्त्री की तरफ आकर्षण को कैसे रोका जाए? देखो, बायोलॉजी के हिसाब से स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित तो होंगे ही, लेकिन आपको बस खुद पे ध्यान देना है। जो खुद पे ध्यान देगा वो आकर्षण से परे चला जाएगा। अगला सवाल, योगी बनने के बाद कैसा अनुभव होता है? देखो, योगी बनने के बाद आप पसंद नापसंद काम क्रोध और मोह से ऊपर उठ जाते हो। इसके बाद आता है अगला सवाल, शरीर के 7 चक्रों को खोलने में कितना टाइम लगता है? देखो, अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और 7ों चक्र तक ले जाना और भी कठिन और बड़ा अचीवमेंट है। इसमें कई साल की मेहनत और तपस्या चाहिए। अगला सवाल, बुरा काम करने से कैसे बचे? देखो, अच्छे काम इतने करो कि बुरे काम के लिए जगह ही ना बचे। होश में रहकर बुरे काम से 100% बचा जा सकता है। अगला सवाल, ब्रह्मचर्य से चेहरे पे क्या बदलाव आता है और कितने दिन में चेंजेस देखने को मिलेगा? ब्रह्मचर्य से चेहरे पे सबसे पहले तो पिंपल और एक्ने होना धीरे धीरे कम होने लगते हैं, चेहरे पे ग्लो आना शुरू होता है और पिचके गाल भी भरने लगते हैं। फेस ग्लो के लिए 6 महीने और पिचके गाल सही होने के लिए 1 साल का टाइम खुद को दें। आई होप आपको इस Q&A वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हमारे साथ जुड़िए, पूरा साल ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ जिन्होंने वीरनाश करके अपने फेस को खराब किया है, पिचके गाल की वजह से परेशान है, ताकि उनकी भी मदद हो सके।